सबको नमस्कार। आज हमारा जो बाय इलेक्शन 457 जुबराज नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हम लोग इलेक्शन करा रहे हैं बाय इलेक्शन, इसको आप लोगों को ब्रीफ करने के लिए आज हमारे साथ मैं डीएमएन कलेक्टर नॉर्थ त्रिपुरा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी हूँ, और यहाँ पे हमारे साथ हमारा एसपी नॉर्थ त्रिपुरा, हमारा डिप्टी डीओ, हमारा एडीएम माने, और हमारा आरओ माने एसडीएम धर्मनगर यहाँ पे आज उपस्थित है। मैंडेट करते हैं हम लोगों ने, उसका भी अरेंजमेंट कर चुके हैं। प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 144 सीआरपीसी हम लोगों ने ऑलरेडी इशू कर चुके हैं। ऑलरेडी मल्टीपल टीम्स हैं, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम्स, हमारा फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, हमारा स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स है, वीडियो सर्वेलेंस टीम, अकाउंटिंग टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, ऑल टीम्स आर फंक्शनल। हर आदमी का मूवमेंट जो 57 जुबराज नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, दे आर ऑल्सो मॉनिटरिंग एंड चेकिंग। इसके साथ एरिया डोमिनेशन का भी चल रहा है। All the other security measures, हमारा SP will also be briefing you. Just to add the other measures, जो हम आप लोग तो जानते ही है, हर जगह पर तो सबको information है, but और भी डिटेल में बोलने के लिए, हर पोलिंग स्टेशन में 50 webcasting हो रहा है, लाइव webcasting, which will be monitored at 4 levels. इस बार RO office में एक control room रहेगा, DO office में control room रहेगा, CO office में control room रहेगा, और ECI माने दिल्ली, वहाँ पे भी कंट्रोल रूम से ये लोग मॉनिटर कर पाएंगे, माने लाइव फीड दिखेगा जो 50 पोलिंग स्टेशन में भी जो भी लाइव फीड आ रहा है। अरेंजमेंट्स किया है हम लोग, पहले से इलेक्ट्रिक से स्टार्ट करेंगे। आज हमारा जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है 57 जुबराज नगर, इसमें से 43,373 इलेक्टर्स है, और इन लोगों के सबके पास एपिक कार्ड तो हम लोगों ने पहले से ही दे चुके हैं, और एपिक कार्ड के भी अलावा जो वोट करने के लिए लोग निकलेंगे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए 11 ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स भी इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के द्वारा बोला गया है कि कैन बी यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जैसे हमारा आधार कार्ड हो, रेगा कार्ड, जॉब कार्ड हो, पासबुक हो, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, आधार कार्ड, अदर ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स जो भी हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, उसको यूज करके हम लोग आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं। हम लोगों ने वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स भी थ्रू ऑल बीएलओस सब इलेक्टर्स को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुके हैं। हर पोलिंग स्टेशन में वोटर असिस्टेंट बूथ, जो जहां पे हमारा बीएलओ बैठा रहेगा, और आप लोगों को या फिर जो भी इलेक्टर्स रहेंगे, जो इलेक्टर्स के लिए आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए वोटर स्लिप्स इशू किया जाएगा वहां से। हमारे यहाँ पे 57 जुबराज नगर में टोटल 50 पोलिंग स्टेशन है, टोटल लोकेशन है 39, और ये जो 50 पोलिंग स्टेशन है हमारा दो ब्लॉक में बटा गया है, हमारा जुबराज नगर ब्लॉक और हमारा पनीसागर ब्लॉक। हर पोलिंग स्टेशन में अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज, जैसे हमारे इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस दिया जाता है, उसमें बोला जाता है कि कुछ फैसिलिटीज शुड बी अश्योर्ड, जैसे हमारा रैम्प्स, टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि, ये सब कुछ हम लोगों ने अरेंज कर चुके हैं ऑलरेडी। इस बार बारिश के सीजन में हमारा इलेक्शन चल रहा है, इस वजह से इस बार हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के दौरान वेटिंग शेड्स भी हम लोग हर पोलिंग स्टेशन में सेटअप कर चुके हैं। जैसे मैंने बोला पहले भी कि पोलिंग स्टेशन में वोटर असिस्टेंस बूथ रहेगा, हेल्प डेस्क भी रहेगा, विच विल बी मैन्ड बाय आवर बीएलओ। इस बार पोलिंग स्टेशन में दो लेयर का बैरिकेडिंग कर रहे हैं, एक 100 मीटर का बैरिकेडिंग और एक 200 मीटर का मार्किंग, ये भी अरेंजमेंट हो रहा है। हमारा वुमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन, सिर्फ एक ही वुमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे ऑल पोलिंग पर्सनल विल बी वुमेन, उसमें है हमारा तिलताई HS स्कूल का 57/42 हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ वुमेन मैनेज।